नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लगातार बात कर रहे हैं मोकामा गोपालगंज की, जहां के वोटों की गिनती चल रही है। और बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मोकामा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर नीलम देवी जो है वो आगे चल रही है बीजेपी की सोनम देवी से। देखिए, मोकामा की लड़ाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ज्यादातर लोग तो ये चाहते हैं, महागठबंधन की बात कर ले या बीजेपी की, वो ये चाहते हैं कि मोकामा की जनता उन्हें आशीर्वाद दे। लेकिन मोकामा की जनता ने किन्हें आशीर्वाद दिया है, चंद घंटों का फासला है, थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन बड़ा अपडेट, बड़ी खबर, देखिए, मोकामा में नीलम देवी आगे चल रही है। अब तक जो पहले राउंड की गिनती खत्म होने तक का अपडेट निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक 651 वोटों से नीलम देवी अपने प्रतिद्वंदी सोनम देवी से आगे है। कुल किसको कितने वोट मिले हैं वो हम अगर आपको बताएं तो पहले राउंड की गिनती में 4159 मत नीलम देवी को मिले हैं, जो कि आरजेडी की तरफ से है। उस दूसरी बात, 3508 वोट सोनम देवी, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी है, उन्हें मिले हैं। मतलब सोनम देवी जो है वो 651 वोटों से नीलम देवी से पीछे है। तो बड़ा मुकाबला और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है मोकामा और गोपालगंज, इन दोनों ही सीटों पर। देखिए, मोकामा में लड़ाई बड़ी कांटे की है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की सोनम देवी है, या यूं कह सकते हैं कि मोकामा वाले ललन सिंह की सोनम देवी है, तो दूसरी ओर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मैदान में, जिनके लिए तमाम महागठबंधन ने अपनी ताकत झोंक दी। नीतीश कुमार शरीफ, तेजस्वी यादव भी उस मैदान में उतरे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने वीडियो जारी कर कहा था और वोट मांगी थी, लेकिन अब मोकामा के रिजल्ट की बारी है। और जब मतगणना शुरू हुई, उसके बाद पहले राउंड की गिनती खत्म होने तक मोकामा का जो अपडेट है, एक बार फिर से सुन लीजिए। मोकामा में नीलम देवी यानी कि राजद की प्रत्याशी 651 वोटों से आगे है। अब तक 4159 वोट नीलम देवी को आए, तो वहीं 3508 वोट जो है सोनम देवी को आए हैं। देखिए, ये पहले राउंड की गिनती है, अभी कई राउंड की गिनती बाकी होनी है, लेकिन उसके बाद क्या तस्वीरें निकलती हैं वो भी पता चल जाएगा। फिलहाल जो ताजा आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, उसके मुताबिक हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े बदल सकते हैं। ये आंकड़े कब कब कहां कहां बदलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। गोपालगंज में भी गिनती जारी है, तो वहीं मोकामा सीट को लेकर भी गिनती चल रही है। लेकिन मोकामा से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, नीलम देवी जो है वो आगे चल रही है सोनम देवी से, बीजेपी जो है वो पीछे है मोकामा में, आरजेडी आगे है, तेजस्वी यादव आगे है और बीजेपी पीछे है मोकामा में। लेकिन गोपालगंज में भी देखिए, अब अपडेट इसके बाद तुरंत बताएंगे आपको, गोपालगंज में भी लगातार वोटों की गिनती चल रही है। पहले राउंड की गिनती जब खत्म हुई तो हमने आपको अपडेट बताया, वहां भी तेजस्वी यादव के प्रत्याशी जो है मोहन गुप्ता शुरुआती राउंड में आगे निकल रहे थे और उनका मार्जिन जो था 900 से कुछ ऊपर था। तो ये पहले राउंड की गिनती है, और पहले राउंड की गिनती के बाद जो आंकड़ा सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। नीलम देवी मोकामा में आगे चल रही है 651 वोटों से, 3508 वोट जो है सोनम देवी, एक बार फिर से सुन लीजिए, बीजेपी की प्रत्याशी है मोकामा से, चुनाव लड़ रही है, उन्हें जो है 3508 वोट पहले राउंड की गिनती खत्म होने तक मिले हैं। तो पहले राउंड की गिनती खत्म होने तक वही नीलम देवी को 4159 मत मिले हैं। तो बने रहिए, बड़ा कवरेज है, बड़ा अपडेट और बड़ी खबर, क्योंकि गोपालगंज और मोकामा की सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, कई राजनेताओं की साफ दांव पर लगी हुई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।